कोतवाली पुलिस ने मोबाइल लूट के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम ने तरंग ओवरब्रिज के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अविनाश निषाद पुत्र संपत निषाद निवासी मझरिया टोला चक्की थाना रामगढ़ताल हाल पता चक्रा अव्वल अमरूद मंडी थाना राजघाट और विकास निषाद पुत्र जयलाल निषाद निवासी फलमंडी उत्सव लान के पीछे थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह यादव, शेर बहादुर यादव, कांस्टेबल गुड्डू राजभर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, किस को एक मोबाइल जो है चाची की घटना हुई थी उसी को वर्कआउट किया गया है। उसी क्रम में दो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अविनाश निषाद पुत्र संपत निषाद ये रामगढ़ताल के निवासी हैं और विकास पुत्र जयलाल निषाद हैं ये फलमंडी के निवासी हैं। दोनों की उम्र लगभग 21 वर्ष है और इनको इनके पास से एक अदद आसमानी ब्लू मल्टीमीडिया मोबाइल रेडमी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास है जो अविनाश है इन पे एक और मुकदमा लिखा गया 46/21 147 राजघाट थाने पे मुकदमा लिखा गया इनका और जो विकास है इसका ये पहला अपराध है। इन दोनों को गिरफ्तार करके दिल्ली भेजा। हाँ, इसमें दो ही लोग शामिल थे, ये लोग मोबाइल स्नैच किए थे उसको बेचे थे। IMEI वगैरह रन किया गया था इसका, उसके द्वारा पता किया गया कि कहाँ पे चल रहा है सिम और जिनको इन्होंने मोबाइल बेचा था उनसे इनसे ट्रेस करके पता किया गया तो पता चला कि इन्होंने घटना की थी और CDR एनालिसिस के हिसाब से जो हम लोग इसको वर्कआउट किए हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। ये लोग मुख्य रूप से कुछ नहीं करते हैं, मतलब बेरोजगार ही हैं, कुछ कार्य ऐसे करता नहीं और मोबाइल स्नैचिंग की घटना उन्होंने प्रारंभ करी है पर अब जेल जा रहे हैं।